कुछ समय पहले की बात है, बेलापुर गांव में चुड़ैल के डर से अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ गांव वालों के दिलों में चुड़ैल के नाम से दहशत बनी हुई थी और दूसरी तरफ गांव में रह रहे मोहन के परिवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मोहन बेटा, ये सब ठीक नहीं चल रहा है, हमें बहू को समझाना चाहिए कि ये सब बंद कर दो। माँ, मैंने उसको समझाया था लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ बहू के पास जाती है और उसे समझाती है। बहू, ये सब बंद कर दो, इससे ना ही मैं खुश हूँ और ना ही मोहन। बढ़िया, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर रही, लोगों का खून पीने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहू माँ की कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात बहू चुड़ैल के रूप में आती है और गांव से निकल जाती है। चुड़ैल पूरे गांव में घूम आती है लेकिन उस रात चुड़ैल को कोई भी इंसान नहीं मिलता। चुड़ैल परेशान होके घर वापस आ जाती है लेकिन चुड़ैल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसीलिए चुड़ैल ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी सासू माँ को ही उठा लिया। बहू, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। बढ़िया, मुझे आज कहीं से भी कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मेरा आज का खाना तुम ही बनोगी। जब उन दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी तभी मोहन की आंख खुल जाती है और वही देखता है कि उसकी चुड़ैल बीवी ने माँ को ही पकड़ा हुआ है। ऊषा, छोड़ो माँ को, क्या कर रही हो, माँ मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। चुड़ैल मोहन की बात भी नहीं मानती और माँ को मारने लगती है। तभी मोहन अब पूरी तरह से ठीक है लेकिन कभी भी मोहन के सामने ऐसी घटना घटी तो मोहन फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाएगा। बाबा ने जैसे कहा था मोहन भी चुड़ैल के रूप में आ जाता है। मोहन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल बन जाता है। मैंने तुमको कहा था माँ को छोड़ दो लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब तू नहीं बचेगी। मोहन चुड़ैल को मार देता है और माँ को बचा लेता है। अगले दिन मोहन को माँ कहती है, मोहन बेटा, तुमने चुड़ैल को तो मार दिया लेकिन अब तुम फिर से चुड़ैल के रूप में आने लगे हो। माँ, मैं चुड़ैल तो बन गया हूँ लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही मोहन है। मैं आपसे वादा करता हूँ गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर मोहन माँ को वादा कर देता है और हर रात चुड़ैल के रूप में तो आ जाता है लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़े। धन्यवाद।